I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past. गाइस आज का वीडियो एक भाई ने कमेंट किया था, वीडियो के अंदर वो पूछ रहा था कि मलेशिया के अंदर अगर हम आते हैं तो वहाँ पर जो जिम का खर्चा होता है, जिम का खर्चा कितना आता है नॉर्मली। तो गाइस अभी मैं जिम के अंदर हूँ, तो ये जो जिम है जहाँ मैं रहता हूँ ये कॉन्डोमिनियम है, ठीक है ना, बिल्डिंग है जो कॉन्डोमिनियम है। तो इसके अंदर जो फ्लैट है, जो रूम है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। बाकी अगर आप फ्लैट लेके रहते हो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अगर आपके पास फैमिली है, फैमिली में आप ले सकते हो। इसमें तीन कोई कोई फ्लैट में चार रूम होते, कोई कोई में तीन होते हैं, ठीक है। भाई हम जिम के ऊपर बात कर रहे थे क्योंकि आज का वीडियो जिम के ऊपर है, ठीक है ना। तो ये जो जिम है ये मैनेजमेंट की तरफ से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये मशीनें हैं, ये फिर इधर बाईसाइकिल भी है और ये उधर भी है, देखो काफ़ी है। ये बड़ी मशीन है, मतलब कई प्रकार इसके अंदर आप कर सकते हो, चेस्ट की, लेग की। और यहाँ पर ये डंबल है, यहाँ पर ये कुछ और डंबल पड़े हुए हैं, मतलब काफ़ी है। ज़्यादा लोग नहीं आते यहाँ पर क्योंकि जो जो ये बिल्डिंग है इसमें ज़्यादातर बाहर के लोग रहते हैं, जैसे स्टूडेंट हुआ, यहाँ पर यूनिवर्सिटी या कॉलेज है। तो यहाँ पर जितने भी मतलब फ्लैट इसके अंदर स्टूडेंट रहते हैं या फिर कोई कोई फैमिली रहती है, जो फैमिली रहती है वो काम पर चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं। बाकी जो स्टूडेंट हो कभी कभी जिम करने आते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये थोड़ा मतलब थोड़ा इक्विपमेंट है इसके, जो जिम का सामान है थोड़ा बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन बंदे नहीं आने के कारण ये इतना सामान भी काफ़ी है। जैसे अभी मैं आया हूँ शाम का टाइम, ही इधर 8 का टाइम हुआ, मलेशिया का भी कोई भी नहीं है, ठीक है ना। बाकी सैटरडे संडे को थोड़ा सा रश होता है यहाँ पर, बाकी जो नॉर्मल डेज है हफ्ते के 5 दिन है उसमें कोई भी मतलब बहुत ही कम ही बंदे आते हैं। तो नॉर्मली अगर आप बाहर एडमिशन लेते हैं जिम के अंदर, जैसे अभी मैं रह रहा हूँ यहाँ पर, तो मैनेजमेंट की तरफ से फ्री है क्योंकि यहाँ पर रूम काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसकी वजह से जिम, स्विमिंग पूल और बास्केटबॉल का भी यहाँ पर ग्राउंड है नीचे, और मतलब काफ़ी सारी फैसिलिटी है इसके अंदर। रेस्टोरेंट भी है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ग्रोसरी मार्केट भी है, काफ़ी मतलब सारी फैसिलिटी इस बिल्डिंग के अंदर। बाकी अगर आप नॉर्मली बाहर में आप एडमिशन लेते हैं वहाँ पर आपको एडमिशन फ़ीस मतलब अगर आप सिटी एरिया में, वहाँ पर आपको 150 पे करना होगा। अगर सिटी एरिया नहीं है वहाँ पर आपको मैक्सिमम 100 से 120 रिंगिट आपको एडमिशन फ़ीस देनी होती है, ठीक है ना। उसके साथ ही आप फिर मंथली फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है ना। मंथली अभी नॉर्मली 120 रिंगिट, मतलब 120 रिंगिट, 150 रिंगिट, वो जिम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बड़ी जिम में एडमिशन ले रहे तो आपको 150 रिंगिट पे करना पड़ेगा। अगर वो जिम छोटी है, मतलब ज़्यादा आदमी नहीं जाते, वहाँ पर आपको 120 रिंगिट मैक्सिमम पे करना पड़ेगा, ठीक है। और इस बिल्डिंग में मतलब जो बाहर के लोग रहते हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट ही रहते हैं, कुछ फैमिलियाँ भी रहती है। बाकी यहाँ पर जो मतलब लोग रहते हैं ज़्यादा मतलब शोर शराबा नहीं होता, बिल्कुल शांत माहौल है इधर में, ठीक है ना। ये बाहर पार्क है, रात में आप पार्क में बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, स्विमिंग पूल में नहा सकते हैं। तो मतलब बिल्कुल शांत माहौल है यहाँ पर, कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है। लिफ्ट भी बड़ी फास्ट सर्विस है यहाँ पर, लिफ्ट की जो सर्विस है, और बिल्कुल सुकून है इस बिल्डिंग के अंदर। तो इसलिए मैंने रूम यहाँ पर चेंज किया था, पहले मैं अपार्टमेंट में रहता था, ये मतलब उससे थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर, इसलिए मैंने रूम चेंज किया था। तो गाइस जो मैंने आपको बता दिया, अगर आप जिम में एडमिशन लेते हैं तो आप वहाँ पर आप 100 रिंगिट आराम से मान के चलो, ठीक है ना, आपको 100 रिंगिट पे करना पड़ेगा। अगर आप किसी बिल्डिंग में रूम ले लेते हैं वहाँ पर जिम फ्री है, वो उसमें आपको फ़ायदा हो जाता है, ठीक है ना, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जिस बिल्डिंग में रूम लेते हैं वहाँ पर जिम की फैसिलिटी है तो वो भी बेहतर है, ठीक है ना। अगर आप मलेशिया में आकर रहते हैं तो आप जिम वाली बिल्डिंग सर्च करें, ठीक है ना। अगर आप मतलब रूम रेंट ढूंढ रहे हैं ना, तो उसमें आप कॉन्डोमिनियम सर्च करें, अपार्टमेंट में भी जिम होता है, बाकी आप कॉन्डोमिनियम सर्च करें वहाँ पर आपको जिम आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।